हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और मजे में होंगे। तो फ्रेंड्स, आज है 8वां दिन चैलेंज का और आज है सॉल्ट फ्री डे। तो आज देखिए दिन भर क्या क्या खाती हूँ मैं बिना नमक का। आज है बहुत ही अच्छा बॉडी को डिटॉक्स करने का दिन। तो सॉल्ट फ्री डे समझिए, हफ्ते में एक दिन कर लेना चाहिए ताकि बॉडी डिटॉक्स हो जाए, एकदम फ्रेश क्लीन हो जाए। तो फ्रेंड्स, आप लोगों का ये 7 दिन कैसा गुजरा है? उम्मीद है बहुत ही अच्छा गुजरा होगा और मेरा भी बहुत ही अच्छा चल रहा है, अच्छे से जा रहा है, एक एक दिन एकदम हेल्दी तरीके से। तो चलिए, आज है संडे और संडे को तो सारे बच्चे हस्बैंड सब घर पे रहते हैं। आज दिन भर तूफान चलेगा और अभी सब लोग सोए हुए हैं लेकिन हस्बैंड उठ गए हैं, उनको चाहिए चाय, सुबह का मॉर्निंग चाय विद टी। तो चलिए फटाफट से चाय बनाते हैं। मुझे भी इंतजार रहता है चाय का क्योंकि उनके साथ मुझे भी लत लग गई, तो लत लग गई है तो चलिए साथ में चाय पी लेते हैं, उसके बाद फिर काम ही काम है। तो बन गया है सुबह सुबह चाय और एक मेरा गुड़ वाला है और एक चीनी वाला है। तो चलिए हस्बैंड को देते हैं, उनका तो एकदम से बिल्कुल थोड़ा सा रहता है। तो चलिए, आज संडे है तो चलिए सबसे पहले आज कपड़ा धो लेते हैं। नाश्ता तो कोई जल्दी नहीं है, कोई उठे नहीं है, तो ये देखें ड्रेस वगैरह सब है बच्चों का और धूप भी है अच्छा खासा। जितने भी वाइट कपड़े हैं सब पहले डालूंगी। तो फ्रेंड्स, ये है मेरा मॉर्निंग ड्रिंक, वो फैट कटर वाला, जो दालचीनी सौंफ जीरा का पाउडर। तो पी लेते हैं, उसके बाद कर लेते हैं एक्सरसाइज योगा। बन रहा है और इतना हड़बड़ी में बन रहा है, ये देखें। ये रहा हस्बैंड का नाश्ता, तो ये उनको चाहिए था चटनी, टमाटर की चटनी और ये चीला। हम लोग तो बच्चे तो केचप में खा लेते हैं या फिर सॉस में, लेकिन इनको चाहिए टमाटर की चटनी। चलिए, ये रहा आयशा का नाश्ता केचप के साथ। चलो खाओ। चलो फ्रेंड्स, ये रहा मेरा नाश्ता। इसमें है अनार और एप्पल और ये अंकुरा हुआ चना। नमक मैंने नहीं डाला है क्योंकि आज सॉल्ट फ्री डे है तो नमक तो बिल्कुल नहीं खाना है, तो कुछ भी मैंने नहीं डाला है। ऐसे ही फ्रूट्स, सारे फ्रूट्स को मिक्स किया है। तो फ्रेंड्स, चलिए चाट की तरह बना तो ली हूँ, लेकिन चाट मसाला बिल्कुल नहीं है इसमें क्योंकि चाट मसाला में भी नमक होता है ना, तो इसलिए मैंने कुछ भी नहीं डाला है और सबको देने के बाद आराम से बैठकर खाऊंगी। और फ्रेंड्स, ये संडे का आ गया है स्पेशल मटन। ये टमाटर, बैगन और ये है धनिया पत्ती। सबको धो करके रखना है सब्जी को। और ये रहा मटन, तो दाल बन रहा है, फिर चावल और मटन बनाना है फिर।
और ये देखें चीला बना था तो तवा का हाल बहुत बुरा हो गया था, तो इस तरह से बेकिंग सोडा और सिरका विनेगर और ये बर्तन धोने वाला ये साबुन है या सर्फ डाल दीजिए, बहुत ही अच्छा जल्दी छूट जाता है। तो चलिए फटाफट से खाना बनाते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आपसे डेली ये चीज़ मैं बता रही हूँ, बोल रही हूँ कि मुझे इस चैलेंज में ना बहुत फ़ायदा हो रहा है हेल्दी खाना को लेकर। पहले ऐसा होता था ना कि सैलेड वगैरह खाना में कभी लेती थी कभी नहीं लेती थी, जब लेती भी थी तो थोड़ा बहुत लेती थी। लेकिन अभी क्या हो रहा है ना कि पूरी तरह से सलाद भरपूर लेना पड़ रहा है और पूरा बैठकर आराम से चबाकर खा भी रही हूँ। और फ्रेंड्स हेल्दी तरीके से जो वेट लॉस कर रहे हैं ना, तो इसमें हेयर फॉल होने का प्रॉब्लम जो आता है ना वेट लॉस करने के टाइम, वो बिल्कुल नहीं होगा और स्किन तो वो बहुत अच्छे से ग्लो करेगा। ऐसे जो फ्रेंड्स डाइट पे रहते हैं और बहुत जल्दी एक महीने में 20-25 केजी इस तरह से जो वज़न कम करते हैं, उनका स्किन बहुत ही डल हो जाता है और झुर्री पड़ जाता है, लूज पड़ जाता है, तो वो चीज़ इस चैलेंज में बिल्कुल नहीं होगा। तो फ्रेंड्स सारा काम करने के बाद जो है अभी फ्रेश होकर नहा कर आ गई हूँ और अब खाना का टाइम हो गया है। तो ये रहा मेरा आज का ये सॉल्ट फ्री डे का ये थाली है, तो बगैर नमक का ये सब कुछ है। तो फ्रेंड्स आज बना तो था मटन नहीं लिया है मैंने, क्योंकि उसमें नमक डाला हुआ था तो अलग से बगैर नमक का तो बना नहीं सकती। तो चलिए इसी से काम चलाते हैं। फ्रेंड्स चीला में भी नहीं है नमक और ये दाल में भी नमक नहीं है, दाल को मैंने पहले निकाल लिया था। और ये है फ्रेंड्स रात का डिनर जो कल का वीडियो है। तो डिनर में मैंने कर लिया था ये कॉर्न फ्लेक्स, इसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह मिला हुआ है तो ये थोड़ा हल्का भी रहता है और अच्छा भी लगता है, हेल्दी भी होता है। तो डिनर करने के बाद एक घंटे बाद मैंने ले लिया था ग्रीन टी और आराम से बाहर हवा में बैठ कर झूले पे और ग्रीन टी को इंजॉय किया। बहुत ही अच्छी हवा चल रही थी और ठंडा मौसम किया था तो अच्छा लग रहा था पीने में। कॉफ़ी पीना है? है कॉफ़ी, आप तो बोल रहा हूँ इतनी सी थी। थोड़ी सी मेरे लिए बस, सब खत्म हो गया। आयशा को भी ना ये वाला कॉफ़ी, कोल्ड कॉफ़ी झाग वाला बहुत पसंद है। तो फ्रेंड्स चलिए कॉफ़ी बनाते हैं, झाग वाला कॉफ़ी। कि झाग घर पे कैसे बनाते हैं बिना मशीन का, इतना अच्छा से झाग बन जाता है ना कि पूछिए मत। और एक कमेंट से मैं ना परेशान हो गई हूँ फ्रेंड्स, और अच्छा भी लगता है जो भी कर रहे हैं कमेंट कर रहे हैं, तो उनको बहुत बहुत शुक्रिया कमेंट करने के लिए। तो एक कमेंट आया है कि अभी आपको 32 बार करने की क्या ज़रूरत है। तो डियर 32 बार करने की ज़रूरत मुझे नहीं है, 32 बार हर किसी को करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो वेट लॉस कर रहा है उसके लिए। हमारे प्यारे मोहम्मद नबी साहब जो थे तो उनका कॉल था, उनका कहना था कि हर किसी को मतलब खाना को अच्छे से चबा करके खाना है। तो ये तो बहुत पहले से चला आ रहा है, ये कोई नई चीज़ नहीं है कि ये फॉर्मूला निकल गया तो ये नई चीज़ हो गई, ऐसा नहीं है। ये बहुत बहुत सालों से चला रहा है, इसे फॉलो करना चाहिए हर किसी को, अच्छे से चबा कर खाना कोई मतलब फॉर्मूला नहीं है, सेहत के लिए अच्छा है, किसी को भी खाना चाहिए। जो जो कमेंट किए हैं वो बहुत अच्छा लगा कमेंट की, तो लेकिन आप भी 32 बार चबा कर खाएंगी, जो भी खाएंगी कुछ भी खाएंगी सब कुछ चबा कर खाना है, ठीक है। तो चलिए कॉफ़ी बनाते हैं। सबसे पहले तो लेते हैं थोड़ा सा पानी और इसे गर्म कर लेंगे, इसे कर लेते हैं गर्म।
ये देखें, ये हो गया है गर्म। और यहाँ देखें, इसमें ये कप में मैंने ले लिया है कॉफ़ी, एक चम्मच कॉफ़ी है। अब इसमें ये गर्म पानी डाल देती हूँ और इसका ढक्कन लगा करके ऐसे। तो इसमें स्ट्रॉ लगाने के लिए होल क्या है ढक्कन में, तो इस पे यहाँ पे उंगली रख करके और पूरी तरह से ऐसे शेक करेंगे, हिलाएंगे। तो खूब अच्छे से इसे ऐसे हिलाना है इस तरह। देखिए इतने देर में ऐसा इतना झाग हो गया, तो अभी आपको अच्छे से करके दिखाते हैं। तो ये देखिए कितना अच्छा से मतलब इसमें झाग बन गया है। मतलब 5 मिनट तक आपको ऐसे शेक करना है, हिलाना है। और इसमें थोड़ी सी मिला देते हैं दालचीनी, दालचीनी का पाउडर। तो दालचीनी का पाउडर इसमें डालना है इतना, थोड़ी सी, एकदम एक पिंच होगा। तो ये चीज़ ना, जब पानी मैंने गर्म किया ये कॉफ़ी घोलने के लिए, उसमें ये उबालना था फ्रेंड्स, तो मैं भूल गई, तो इसी में डाल देती हूँ। और फिर इसमें जाएगा ये आइस। तो फ्रेंड्स ये झाग इसमें तो इतना नहीं है, क्योंकि ये पानी वाला ब्लैक कॉफ़ी है, और ये दूध वाला अगर रहता ना तो इतना तक ऊपर तक इसका झाग आ जाता, काफ़ी झाग हो जाता है ऐसे। तो आप इसे बनाकर ट्राई करके दूध वाला देखिएगा। तो चलिए मेरा कॉफ़ी जो है एकदम से तैयार है। पीकर ऐसा लगता है ना कि मतलब आँख खुल गई और दिमाग भी खुल गया, इतना रिफ्रेश लगता है। तो फ्रेंड्स चलिए कॉफ़ी के साथ ही वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। और उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, और ये भी उम्मीद करती हूँ कि पसंद आएगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और फ्रेंड्स कमेंट ज़रूर किया कीजिए। कल मैं वीडियो डालने के बाद एकदम थक जाती हूँ, और उसके बाद एक कमेंट आया था कि आप बहुत अच्छे से मेहनत कर रही हैं। तो उस एक कमेंट से ना मेरे अंदर इतनी एनर्जी आई कि मैं बता नहीं सकती, मतलब क्या बताऊँ। तो फ्रेंड्स बस आप लोगों से यही उम्मीद रखती हूँ कि थोड़ा प्यारा प्यारा सा कमेंट करते रहें मेरे वीडियो पे, और लाइक कर दें, हो सके तो शेयर करें। शेयर करने से मेरा चैनल जो है ग्रो करेगा, आगे बढ़ेगा, तो प्लीज़ हेल्प कीजिए। तो फ्रेंड्स लंच तो हो गया, और डिनर जो आपने देखा वो कल का था, आज का सॉल्ट फ्री डे का डिनर रहेगा। ओट्स का खीर ही मैं बना लूँगी, क्योंकि नमक वाला तो चाहिए नहीं, कुछ वैसा बना नहीं सकती, तो गुड़ डाल करके वो जो खीर मैंने बनाया था वही बनाऊंगी ओट्स का। तो फ्रेंड्स इसी के साथ वीडियो को करती हूँ यहीं पे एंड, और हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखें, हमें भी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, बाय।